नॉइस के फुल फ्लैज नेकबैंड या एयर वेव प्रो आ चुके हैं, जो मैंने कल परचेस किए थे 1499 रुपीस पे के लिए। एंड यहाँ पे आपको डुअल पेयरिंग ANC इक्विलाइजर मोड, गेमिंग के लिए लो लेटेंसी, मैग्नेटिक डिस्कनेक्ट का फंक्शन, मतलब ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिल जाते हैं जस्ट एक फंक्शन को छोड़ के जो है एप्लीकेशन। अब कैसे इसका एक्सपीरियंस रहा, ऑडियो क्वालिटी को लेकर क्या ये यूजेबिलिटी में बेटर है या आपको कोई दूसरा नेकबैंड प्रेफर करना चाहिए अंडर दिस बजट, तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को अंटिल एंड देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो पैकिंग नॉइस ने यार इंप्रूव की है। यहाँ पे आपको एक सॉलिड बॉक्स देखने मिल जाता है जहां पे की फीचर हाईलाइटेड है डिजाइन इन इंडिया। एंड जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो टॉप पे आपको आपके नेकबैंड प्लेस मिल जाएंगे। उसके बाद अदर सेक्शंस लाइक आपको अलग अलग पेपर वर्क मिलते हैं, स्टिकर्स, बुक माई शो वाउचर, देन एक टाइप सी चार्जिंग केबल टिपिकल वाली, एंड टू पेयर ऑफ एक्स्ट्रा एयर टिप्स अलोंग विद योर नेकबैंड। अब जो नेकबैंड है वो थोड़ा भारी भरकम है, वजन नेकबैंड में है डेफिनेटली। एंड उसका रीजन ये है भाई, जो इसके दोनों हैंडल्स हैं वो काफी सॉलिड एंड थिक बनाए हुए हैं। ओवरऑल जो सिलिकॉन वाला पोर्शन है नेकबैंड का वो भी इन्होंने काफी भारी भरकम बनाया हुआ है एंड लाइक फ्लेक्सीबल है। वायरिंग भी मोटी रखी गई है, टेंगल फ्री वायरिंग नहीं मिलती, बट या दीज विल वर्क क्योंकि उतने जल्दी टेंगल नहीं होंगी। मैग्नेटिक डिस्कनेक्ट का फंक्शन मिल जाता है ईयरफोन्स पे, एंड ईयरफोन्स या टिपिकल नॉइस वाले आपको देखने मिलते हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपको देखने मिल जाता है एंड आप इनको अटैच करके आप ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, वो फंक्शनैलिटी आपको मिलती है, विच इज ए पॉजिटिव साइन। नाउ प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से यार नेकबैंड हमेशा केबलेस से बेटर होते हैं, बिकॉज ये आप यार कॉन्फिडेंसली यूज कर सकते हैं। अगर गिर भी गए तो भाई आपके नेक के अराउंड रहेगा एटलीस्ट नेकबैंड वाला, अगर केबलेस गिरा तो भाई खत्म, भीड़ में आप उसको ढूंढ भी नहीं सकते, तो उस टाइप की दिक्कत होती है केबलेस के साथ। कंफर्ट वाइज यार मैं इनको आराम से 4-5 घंटा यूज कर सकता हूँ। यूजेबिलिटी को लेकर, कंफर्ट को लेकर कोई शिकायत नहीं है। साथ आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है, तो अगर आप जिम करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं, लाइक इवन दो इंटेंस वर्कआउट के दौरान भी आपके कान से नहीं गिरेंगे। तो कंफर्ट एंड सिक्योर फिटिंग आपको मिलती है विद IPX5 रेटिंग। कनेक्टिविटी के लिए नॉइस ने अभी यूज किया ब्लूटूथ 5.3। एप्लीकेशन सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा बट डुअल पेयरिंग आपको मिल जाएगा। पॉपअप आ रहा गूगल फास्ट पेयरिंग वाला तो बढ़िया होता, बट यहाँ पे आपको मैनुअली इसको पेयर करना पड़ेगा आपकी डिवाइस के साथ। एंड जस्ट पेयर करने के लिए बर्ड्स को आप डिटैच कर दीजिए एंड आपके फोन में ऑप्शन आ जाएगा, एंड जैसे आप इसको अटैच करेंगे वापस से ये आपके डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डुअल पेयरिंग मैंने यहाँ पे ट्राई आउट की, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं दे रहे, काफी साइमल्टेनियसली शिफ्ट होते हैं, बट 1 से 2 सेकंड के बीच में डिफरेंस तो लगता है। एंड लाइक जो आपका प्रीवियस डिवाइस है जहां पे जो प्ले हो रहा था वो मैटर नहीं करता, जैसे आपने न्यू डिवाइस में कुछ भी प्ले किया कोल आई तो ये न्यू डिवाइस में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। इस टाइप से इसकी कनेक्टिविटी वर्क करती है। अप्रोक्स 15 मीटर के यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने मिल जाती है। फॉर द ऑडियो क्वालिटी 13 mm ऑडियो ड्राइवर्स है, ACSBC कोई भी कोडेक नहीं है, बट आपको 3 प्रीसेट मिल जाएंगे जो कि आप इसमें ANC वाले बटन को 2 बार टैप करके इनेबल कर सकते। ओवरऑल जो साउंड सिग्नेचर्स है लाइक आप नॉर्मली कोई TWS या फिर ईयरफोन्स में 80% पे वॉल्यूम सुनते हैं तो उस टाइप का साउंड सिग्नेचर आएगा, इवन दो 100%, मतलब डिस्टॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, कुछ लोगों को मैक्स वॉल्यूम भी उतना इंप्रेसिव नहीं लगेगी। सेकंड चीज, म्यूजिक क्वालिटी ओवरऑल बैलेंस है, आपको यहाँ पे डीप बेस मिल जाएगा, सेपरेशन अच्छे हैं, क्लैरिटी आपको डिसेंट मिलती है, एंड ओवरऑल म्यूजिकल ये सुटेबल है, बट मैक्स वॉल्यूम हर किसी के लिए यहाँ पे बेस्ट नहीं होगी। इक्विलाइजर मोड मिलते जरूर हैं बट उतना डिफरेंस वो क्रिएट नहीं करते, इवन आप उनको यूज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, हाँ हल्का फुल्का डिफरेंस आपको क्रिएट देखने मिल जाएगा। लाइक बेस मोड में आप शिफ्ट कर रहे तो आपको बेस थोड़ा इनहेंस वहां पे मिल जाएगा, क्लैरिटी में आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिलती है, बट उतना कोई मेजर इंपैक्ट वो नहीं क्रिएट करेंगे। एंड एज अ सेड जैसे आप इनको अटैच करेंगे आपका म्यूजिक वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे मिलती है। बटन कंट्रोल या प्री डिफाइंड है, आपको वॉल्यूम कंट्रोल के लिए अलग बटन मिलता है, पावर ऑन ऑफ वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले पॉज होता है, वॉल्यूम वाले बटन को सिंगल प्रेस करने से आपकी वॉल्यूम कंट्रोल होती है, बट अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो नेक्स्ट एंड प्रीवियस म्यूजिक पे आप वहां पे जा सकते हैं। ANC वाला सीन क्या है, यहाँ पे आपको मिलती है 32 dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फॉर द बजट। एंड हमने ANC वाले ईयरफोन्स देखे इस बजट में, थोड़ा अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जरूर, लाइक 200-300 रुपए आपको बढ़िया ईयरफोन्स मिल जाते हैं जिसमें CMF एंड Realme इंक्लूडेड है। 32 dB की जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है यहाँ पे ऑप्टिमाइज आपको अच्छी मिलती है, 60-70% बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल आउट कर सकते, उतना कैपेबिलिटी रखती है जरूर। एम्बिएंट मोड यार थोड़ा और नेचुरल हो सकता था, बट यार काफी अच्छे एफर्ट डाले नॉइस ने, एम्बिएंट मोड अच्छा काम कर लेता है, बट यार अदर ब्रांड्स आपको बेटर एम्बिएंट मोड ऑफर करते हैं। ANC को लेकर उतना कोई शिकायत नहीं, जितना ANC यहाँ पे बोला उस हिसाब से ANC आपका काम करता है, तो एक गुड ऑप्शन अगर आप 1500 रुपए के अंदर नेकबैंड देख रहे हैं विद ANC। यहाँ पे आपको 40 ms की लो लेटेंसी मिलती है फॉर गेमिंग, एंड गेमिंग मैंने ट्राई आउट की, भाई कोई भी दिक्कत नहीं थी यार, काफी अमेजिंग रिजल्ट थी, सेपरेशन डिसेंट थी,
क्लियर थी एनिमी के फुटस्टेप की साइड से वो आ रहे हैं या फिर गन रिलोडिंग साउंड एवरीथिंग आप क्लियरली यहाँ पे सुन पाएंगे। और लेटेंसी यार 40 ms होने के बाद यार इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके गेम प्ले पे, बढ़िया गेम प्ले आपको देखने मिल जाएगा। तो अगर आप वायर्ड एयरफोन से परेशान हो चुके हैं, कुछ वायरलेस ट्राई आउट करना चाहते हैं यार, यू कैन गो फॉर दी। कैसे इनेबल करेंगे, जो मिडिल वाला बटन है उसको आप 3 बार प्रेस करेंगे, आपका गेम मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। 60 आवर का ओवरऑल बैटरी बैकअप क्लेम कर रहे हैं, बट जो बैटरी बैकअप क्लेम है वो आपका 60% वॉल्यूम लेवल पे है, विदाउट ANC है, विदाउट कूलिंग है, जस्ट फॉर म्यूजिक है। बट या डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट रिजल्ट आपको देखने मिल जाएंगे, एंड इन एक्सट्रीम कंडीशन जहां पे आप 100% वॉल्यूम लेवल यूज करें, कपल ऑफ आवर ANC यूज करें, कपल ऑफ आवर कूलिंग यूज करें, तो जो रिजल्ट है वो आपको समवेयर अराउंड 30 आवर देखने मिलेगा। जी हाँ, काफी मेजर डिफरेंस है बिटवीन द क्लेम एंड द एक्चुअल रिजल्ट, बिकॉज चीजें यहाँ पे डिफरेंट होती हैं, ब्रांड अपने हिसाब से चीजें टेस्ट आउट करता है जहां पे वो बेटर आउटपुट दे पाए, बट हम यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहते हैं जहां पे वॉल्यूम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, ANC भी यूज करेंगे साथ साथ कूलिंग भी यूज करेंगे, तो उन कंडीशंस में जो रिजल्ट है वो काफी डिफर कर रहे हैं। इन 30 आवर इज नॉट ए बैड इन एक्सट्रीम कंडीशन एज वेल, बट चार्जिंग टाइम काफी क्विक है, 1 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाएंगे, मतलब या गुड टू गो। अब आती है बारी इसके माइक्रोफोन की, तो ये ईयरफोन 3 माइक्रोफोन क्लेम कर रहे हैं अलोंग विद ANC तो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ANC से सामने वाले को बेनिफिट मिलता है, उनको बैकग्राउंड नॉइस कम आती है, एंड एक क्रिस्प माइक्रोफोन क्वालिटी उनको मिलती है, जिससे कम्युनिकेशन आपका 2-way काफी बेटर हो जाता है। अब रिकमेंडेड है भाई, अगर आप बाहर हैं तो ANC यूज करके इनको यूज कीजिए फॉर कॉलिंग, ताकि आप भी क्लियरली सुन पाए, सामने वाले को भी दिक्कत ना हो। मैंने टेस्ट किया, ये है कुछ इसके कॉलिंग। तो ये है नॉइस के एजेस प्रो नेक बैंड, जो कि रिसेंट लॉन्च नेक बैंड है, यहाँ आपको ट्रिपल माइक्रोफोन देखने मिलता है विद ANC, एंड ओवरऑल ये इनकी माइक्रोफोन परफॉर्मेंस अगर आप इसको आउटडोर में टेस्ट करते हैं, इंडोर में कॉल क्वालिटी आपको बाय डिफॉल्ट बेटर मिल जाती है, बट आउटडोर में कितना बेटर माइक्रोफोन परफॉर्म कर पाता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो ये है कुछ आइडिया आप लोग के लिए, इसका भी कॉल क्वालिटी आप देखने मिलेगी। सो आई बिलीव गाइस कूलिंग आपने चेक कर ली, अब आते हैं कंक्लूजन वाइज। तो नॉइस ने यार काफी अच्छी ट्राई की है, जो अदर ब्रांड्स हैं मार्केट को सिंगल हैंडेड डोमिनेट कर रहे हैं, लाइक CMF, नथिंग, वन प्लस, तो उनमें एक डिसेंट कंपटीशन ये क्रिएट करें जहां पे आपको हर कोई इंपॉर्टेंट फीचर फंक्शन मिल जाता है, जस्ट एक को छोड़ के एप्लीकेशन सपोर्ट। यहाँ पे आपको मटेरियलिक एंड वाले हैंडल्स मिलते हैं, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है, एयर फिटिंग अच्छी है, कंफर्ट लेवल वाइज भी एक कुल मिला के ठीक है। 60 आवर का बैटरी बैकअप क्लेम कर रहे हैं, 13 mAh, 3 equalizer, ANC, ENC, 40 ms latency, 3 microphone, मतलब ओवरऑल जो फीचर्स होते हैं सब इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको लेना चाहते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड अगर वीडियो पसंद आया, वैल्यू मिली है, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।